हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा, जो भी छात्र एमजेपी यानी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, बरेली से हैं बेटा, तो आज किस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2022 में आने वाले क्वेश्चन बेटा, 2022 है उसमें आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, आने वाले प्रश्न को देखेंगे। और ये जो है ना वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जिसका फर्स्ट ईयर है और बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसकी बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, जिसे कहते हैं व्यावसायिक आंकड़े। ठीक है, व्यावसायिक आंकड़े पर पेपर का नाम हो जाएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम जो 2022 का केवल एमजेपी यानी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र है वो इस वीडियो को देखे, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो अब देखो हम आपको बता दें, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपके पास नोट्स है या नहीं है उसकी बात नहीं है, लेकिन आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन बना रखी, प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो, मतलब सारी सुविधाएं की गई है, जो भी दिक्कत होगी। और यहां से कोई एमसीक्यू क्वेश्चन, किसी किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, तो मतलब कि आपके भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। बरेली यूनिवर्सिटी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा बेटा एमसीक्यू, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे और साथ ही साथ पीडीएफ भी दे देंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो मतलब वहां से कम से कम तो 8 से 10 नंबर वहां का मिल जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो भी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी है बीकॉम वाले स्टूडेंट, अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर जिससे पढ़ाई कर रहे हो उस प्रेजेंट में आप उसको टिक लगा लो कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, देखो संख्यांकी का अर्थ क्या होता है बेटा, संख्यांकी का अर्थ याद करना है और उसके क्षेत्र, उनकी सीमाओं को याद कर लेना है कि संख्यांकी कौन से कौन क्षेत्रों में होती है, उनकी सीमाएं लिमिटेशन क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, और संख्यांकी जो अनुसंसाधन होता है, संख्यांकी अनुसंसाधन, ठीक है, उनके आयोग के बारे में, कौन कौन से आयोग खोले गए उनके बारे में हम याद करेंगे। ठीक है, संसाधन के थ्रू। और देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्देशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे और क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उनके गुणदोष के बारे में देखेंगे, और उनकी उनकी जो भी अनुसंसाधन होते हैं उन अनुसंसाधन पर भी याद करेंगे साथ में। इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, जो आपके बुक नोट्स कैसे पढ़ाई कर रहे हो। देखो प्राथमिक जो सन्मक होता है, प्राथमिक सन्मक क्या होता है, इसकी परिभाषा, प्राथमिक सन्मक की परिभाषा देखेंगे, और ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकार को देखेंगे, मतलब प्राथमिक सन्मक के प्रकार कितने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक, तो सन्मक के प्रकार पूछ लेता है, केवल सन्मक के प्रकार पूछेगा आपसे इस प्रकार से कि भाई सन्मक के प्रकार कितने होते हैं। तो सन्मक के 2 प्रकार को देखो, प्राथमिक और द्वितीयक, 2 प्रकार के होते हैं सन्मक, दोनों सन्मक को अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद में उनके गुणदोष और उनकी लिमिटेशन, मतलब की सीमाओं को देख लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है उनमें और उनकी सीमाओं को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं ध्यान से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, ये है संख्यांकी। तो देखो संख्यांकी माध्य क्या होता है, संख्यांकी माध्य की परिभाषा ये याद करेंगे। उसके बाद में उनके उद्देश्य क्या हुए संख्यांकी माध्य के, उनके प्रकार कितने हैं, उनके फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है संख्यांकी माध्य का, और साथ ही साथ उनके महत्व, उनकी सीमाएं, लिमिटेशन के बारे में। ठीक है, ये हम देखेंगे। और देखो कह सकते हैं अपकिरण क्या होता है, अपकिरण, अपकिरण पूछेगा आपसे, अपकिरण क्या है, इसकी परिभाषा पूछेगा, अपकिरण क्या होता है, उसके उद्देश्य बताइए, उसके महत्व, महत्व के बारे में विवेचना करिए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इस प्रकार को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इस क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, सहसंबंध क्या होता है बेटा, सहसंबंध के प्रकार कितने होते हैं, सहसंबंध क्या है, सहसंबंध के प्रकार कितने हैं, उनके महत्व, उनकी सीमाओं को बारे में देखेंगे। इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेना है। इन सारे क्वेश्चनों के ऊपर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वीडियो को देखकर आसानी से याद कर पाएंगे, 1-2 बार में वीडियो देखेंगे आप सब कुछ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद में देखो सूचांक, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सूचांक, सूचांक को निर्देशांक भी कहते हैं, सूचांक को दूसरी भाषा में निर्देशांक कहते हैं, इसको ध्यान है। निर्देशांक की परिभाषा याद करेंगे, उनकी विशेषताओं को याद करेंगे, उनका उपयोग कहां किया जाता है सूचांकों का वो देखेंगे। अब यहां देखो कुछ क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल से हिसाब से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का क्या होता है मैटर देखेंगे ध्यान से। न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, न्यूमेरिकल बन जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं इस पेपर में जो आप देख रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, व्यावसायिक आंकड़े से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन। उन न्यूमेरिकल को आपके गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी है आप जिसे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं इंपोर्टेंट ही होंगे उसमें, तो आप उन न्यूमेरिकल को देख लेना खासकर तौर पर। ठीक है, बाकी मैं भी साथ में दे दूंगा, आप एग्जाम से पहले दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करा देंगे जब हम जब उसको नोट्स कराएंगे हम आपको, तो नोट्स में भी दे देंगे न्यूमेरिकल, वो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टिक लगाएंगे।
व्यावसायिक प्रबंध क्या होता है बेटा? व्यावसायिक प्रबंध की आपकी परिभाषा पूछ लेगा, इसको परिभाषा अच्छी तरीके से याद करना। व्यावसायिक प्रबंध क्या होता है? देखो यहां कह रहा है कुछ मद बोलते हैं, जैसे कि उत्तम मद होता है, एक समांतर मद होता है, इनके गुण दोष के बारे में पूछ लेता है कि उत्तम मद क्या होता है उसकी परिभाषा बताओ, समांतर मद क्या होता है उसकी परिभाषा बताओ। तो इस परिभाषा को थोड़ी याद कर लेंगे, शॉर्ट में आता है, ज्यादा बड़े नहीं। मतलब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना तो उसके हिसाब से बना बना के लिखना होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि वो कॉपी में किताब में लिखा है वो पूरा टोटल छाप के आ जाओगे, ऐसा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। मतलब कुछ तो चेंज होगा, तो थोड़ा चेंज ही करके लिखना है, ठीक है? वरना सब सब जैसे एक ही तरफ, मान लो कोई गैस पेपर ले लिया, अपने क्वेश्चन बैंक लिया और उसको रट लिया, तो थोड़ा चेंज करके लिखना होता है। और सब एक जैसे करेंगे तो काम हो जाएगा ना, मतलब गलत रहेगा। मतलब अपने हिसाब से लिखना होता है कि आप उसको कितना बना सकते हो, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है? समझा करो। और क्वेश्चन मतलब बुक में बहुत बार लंबे क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो, और जब भी याद किया करो तो अंडरलाइन करके याद किया करो, मैं आपको बताता हूँ हमेशा। तो क्वेश्चन कभी भी कितना भी हार्ड आ जाए आपको बना बना के करके आ जाना है, यदि नहीं याद है तो भी, लेकिन छोड़ के नहीं आना है आपको क्वेश्चन को किसी भी, ठीक है? चलो इस पहले देखो, इस क्वेश्चन में टिक लगा लो। ये है बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक की परिभाषा याद करेंगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि गुण और दोष क्या है उसके वो देखेंगे। परास की परिभाषा, परास को हम विस्तार भी कहते हैं, परास को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बेटा? विस्तार भी कहते हैं। विस्तार की परिभाषा पे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य। मध्य विचलन क्या होता है? देखो जब मध्य विचलन पढ़ते हैं, मध्य विचलन के गुण दोष भी साथ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? विषमता क्या होता है? विषमता मापने की विधि, विषमता मापने की विधि को याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में देखो ये दो क्वेश्चन और है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। ये है जो थे एक वैज्ञानिक थे जिसने सहसंबंध गुणांक को याद करने की विधि बताई थी, जिनका नाम था कार्ल पियर्सन। उन्होंने क्या बताया था? जो सहसंबंध था, मैंने ऊपर आपको जो बताया था क्वेश्चन, उनके गुणांकों को ज्ञात करने की विधि बताई थी। उस विधि को एक बार देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है? और यहां बोला गया जीवन निर्वाह जो निर्देशांक होता है वो किसे कहते हैं? जीवन निर्वाह जो निर्देशांक होता है, देशांक कह सकते हैं, ठीक है? जीवन निर्वाह देशांक किसे कहा जाता है, आप इसको याद करेंगे। तो ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन आपके, ठीक है? 2022 में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, आप इन प्रश्नों को याद करके 85% प्लस लाएंगे बेटा, 85% याद रखना। न्यूमेरिकल जो भी है हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे तो कोई पैसा नहीं जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, जो भी करना होगा, ठीक है? बाकी एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।